राजस्थान के चमड़ा मंडी बाईपास में अभी हम मौजूद हैं। सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है, आपको बता दें करीब 11 बजे करीब यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मरने की खबर है। आपको बता दें कि ये बाइक से कहीं जा रहे थे, मशरक के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि सिवान के एमएम कॉलोनी में ही किराए के मकान पर रहते थे। और बताया ये जा रहा है कि ये लोग कहीं शादी में जा रहे थे और इसी सड़क में हादसा हुआ। बता दें जहाँ हम लोग मौजूद हैं इसी रोड में हादसा हुआ, आप देख सकते हैं। हादसे के बाद काफ़ी लोगों का भीड़ यहाँ पर जुट चुका है और कई सारे थाना के थाना प्रभारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हालात को काबू में करने में लगे हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टर मुमताज साहब जो लगातार बने हुए, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है? ये तो हमको फोन गया कि पता चला कि जो है ये लोग शायद खड़े थे वहाँ, बाइक वगैरह भी थी, ये लोग किसी का इंतजार शायद कर रहा था लोग। उसी वक्त अनियंत्रित गाड़ी आई है और इन लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 आदमी तो ऑन स्पॉट डेथ कर गए हैं, जिनकी बॉडी भी यहाँ पड़ी हुई है, और एक आदमी इंजर्ड है जो कि सरकारी अस्पताल में वो भर्ती है। क्या लोग सर आप लगातार यहाँ पे हैं, जब घटना हुआ है तभी से हैं, क्या हालात है, हालात पे काबू पाने की जो पुलिस प्रशासन है? हम लोग इसको देखे तो यहाँ पे आए तो पता चला कि ये लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि आने का या गाड़ी के लिए जाने के लिए। तो उस ट्रक जो थी वो बहुत स्पीड में थी, क्योंकि इसमें कोई स्टॉप नहीं है, फ्री नहीं जाती है, तो तेज चला था इसलिए उन्होंने मार दिया, ट्रक वाले मार दिया। ये आगे कारण ये घटना घटा है, यहाँ की पब्लिक जो भी है वो सब यही अनियंत्रित नहीं हुआ जी। तो यहाँ पे जो है जो क्या ना जो पब्लिक जो इंसिडेंट तो था स्पॉट पे था, वो लोग भी बोला था कि स्पीड में आ रही थी, लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहा था किसी का आने का, उसी दौरान इसको मारा है ट्रक। चलिए तो आपको बता दें कि बड़ा हादसा आज सिवान में हुआ है, सिवान का जो चमड़ा मंडी बाईपास है यहाँ पे ये हादसा हुआ है और बड़ा हादसा है, जहाँ पे 3 लोग आपको बता दें कि स्पॉट डेथ है, मर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये वो रास्ता है जहाँ से लगातार ट्रक वगैरह गुजरता है, क्या करें बताइए। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि इस पे ऊपर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, स्पीड ब्रेकर लगाया जाए ताकि स्पीड कंट्रोल में रहे। कोई स्पीड कंट्रोल में नहीं करता, सीधा लेकर भागता रहता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सामने आ रहा है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं देखता लोग, बस लेकर भागता है लोग गाड़ी को। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि स्पीड ब्रेकर लगाया जाए हरदिया मोड़ से लेकर के और यहाँ तक चिकचोली मोड़ तक। बिल्कुल लगातार अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जब गाड़ी से चले, बाइक से चले, तो कैसे चलना है देख रेख करके चले, समाज से भी जबर हमारे साथ क्या कुछ कहेंगे। देखिए ये घटना आज की बड़ा निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं पे हम आप रोक तभी लगा सकते हैं जब जागरूकता हो। समाज के हर वो वर्ग के लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि वो जागरूक हों और इस तरह के वारदात को अंजाम ना हो पाए, ना हो सके, इसलिए कम से कम देख के सड़क पार करें, आसपास जब भी जाना हो अपने स्पीड कंट्रोल में रख के चलें। हालांकि आज की जो घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, ये तीनों लोग जो हैं वो एक किनारे खड़े हुए थे और आपस में वो कहीं से भी घटना होने की संभावना नहीं थी, लेकिन ये घटना हुई है। यहाँ हमें जो लगता है, हमारा मानना है कि ट्रक ड्राइवर का उसी का दोष है और वो वही दोषी है। हालांकि वो बड़ा किनारे थे, मैं उस घटना स्थल पे पिछले कई घंटों से यहाँ पे हैं मौजूद, हमने देखा है अपनी आंखों से कि जहाँ घटना घटी है वो घटना एकदम किनारे थी, सड़क के बीचों बीच घटना नहीं है। तो ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं भूल और चूक उस ट्रक ड्राइवर से हुआ है और प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के बस एक ही विनती है कि प्रशासन कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ पे यहाँ के सड़क की जो लिमिट हो उसको 15-20 पे लिमिटाइज किया जाए, ताकि यहाँ पे कोई भी ट्रक हो, गाड़ी हो, वो लिमिट क्रॉस ना कर सके। तो मेरा बस यही आग्रह है और बाकी जनता से मेरा अपील है कि यहाँ से जो भी घटना घटी है बड़ा निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं पे हमें और आपको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसी घटना ना घटे और हम सबको देख के सड़कों को पार करना चाहिए। कई सारे स्थानीय लोग हैं, पिंटू जी आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मामला है, कैसे क्या मामला जो ये भाई साहब बोले हैं बात सच बोले हैं, वो साइड में उन लोग खड़े थे, ट्रक वाला अपना वो साइड से मारा और वो आग के गिलास में वो भी देख रहा था, आउट वेट वहाँ पर ब्रेक नहीं लगा, उन लोग को स्पोर्ट करके वो भागने की कोशिश के साथ वो थाना में रखा गया है। प्रशासन आई 10-20 मिनट के बाद आई, वो खून पर माटी छिड़क रही थी, बताइए प्रशासन या खेल, अब वहाँ पर माटी वहाँ पर देखिए, वहाँ देख के जाना जाए, वहाँ खून के आप देखिए, वहाँ पर माटी छिड़क रही थी और उसका बाद से जैसे लाश था पिकअप मंगवा के एक मिनट रुके
पिकअप मंगवा के वो लाश बुझा रहा था, साला माटी के ढेला में उठा के छैटी से फेंक रहे हैं, उससे वो लाश फेंका जा। समाज से भी हमारे साथ श्रीनिवास यादव जी हैं, पूरे मामले पे लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत दर्दनाक घटना है, इस तरह की घटना किसी के घर ना हो पाए। ये लोग जा रहे थे अपने घर गाड़ी धरने के लिए और बगल में से ट्रक गुजर रहा था और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और वही लोग साइड में खड़ा हुए थे सब परिवार के लोग। तब तक ले ट्रक ने अनियंत्रित खो दिया जिसे मोटरसाइकिल से पूरे परिवार को रौंद दिया, जिसमें इसकी घर की औरत है उसका सदर अस्पताल में मौत हो, अति से जिंदगी से जूझ रही है, उसका इलाज चल रहा है और घटनास्थल पर 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गया है। हम निश्चित तौर पर इस कार्य में परिवहन विभाग के दूसरी थाना से है कि परिवहन विभाग आए दिन घटना घटती है, कभी कहीं क्राइम होता है एसपी साहब अपना मीटिंग बुलाते हैं कंट्रोल करने के लिए, किया इसका पहल होना चाहिए। बाकी लगातार इधर एक्सीडेंट की घटना घट रही है, उस पर कभी परिवहन विभाग की ओर से बैठक नहीं बुलाया गया है, इसमें सुधार कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, अब इस घटना को तो कोई टाल नहीं सकता है। बाकी निश्चित तौर पर सरकार के नियम है एक से अधिक व्यक्ति के मृत्यु हो जाता है उस परिवार को आपदा के तहत 4-4 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो मैं सिवान के कलेक्टर और छपरा कलेक्टर से मैं मांग करता हूं, कब निवेदन करता हूं कि इस आपदा के घड़ी में इस परिवार को अभी मैसेज करके सिवान कलेक्टर और छपरा कलेक्टर को मैसेज दे दे कि ताकि जब इसका डेड बॉडी हम लोग भेजेंगे तो उसके परिवार को 4-4 लाख रुपया मिल जाए और वीडियो के तरफ से 20-20 हज़ार रुपया मिल जाए काम क्रिया करने के लिए, और वीडियो मुखिया के तरफ से 3-3 हज़ार रुपया मिलता है वो मिल जाए। और अगर इस परिवार बीपीएल सूची में होगा तो नियम है बीपीएल सूची में ही होगा तो प्रत्येक आश्रित को एक इंदिरावास देने की मांग करता हूँ। श्रीमान जी एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा भी चल रहा है, तो क्या चाहिए ताकि परिवहन विभाग के द्वारा कुछ अलग पुलिसों की बहाली किया जाए, नियुक्ति किया जाए, ताकि ये लोग ध्यान दे कैसे गाड़ी आ रहा जा रहा है। इसमें भी देखिए ये परिवहन विभाग के एक माह के साथ रोड सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, बाकी मास के पर आम लोग को जानकारी नहीं हुआ, बाकी इसका कम से होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि लोगों को समझाना चाहिए कि कितना उम्र के लोग परीक्षा चल रहा है, कई सारे घटनाएं देखने को मिली, अभी हुसैनगंज तरफ भी ये घटना घटा था, कुछ परिवहन विभाग को चाहिए था कि कुछ थोड़ा सा करने के लिए। हम वही तो बातें बोल रहे हैं कि परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी होना चाहिए, जैसे चुनाव होता है अनाउंस नहीं हो जाता है कि कल चुनाव है, कोई भी अगर उपद्रव है उसको देखा जाएगा तो बूथ पर लूटे उसे गोली मार दिया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज बिना लाइसेंस के अगर जाता है गाड़ी चलाता है तो उसको पकड़ा जाएगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर इस तरह का प्रचार प्रसार होगा तो बहुत लोग गार्जियन ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे मोटरसाइकिल चलाने के लिए अपने बच्चा बच्ची को ले जाने के लिए।